बोरवेल एक पानी का कुआं होता है जो 100 से 150 फीट गहरा होता है। जिसमें 6 से 12 इंच व्यास वाले पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाता है। यह सिंचाई उद्देश्यों के लिए भूजल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोरवेल सूख जाने के बाद किसान उसे छोड़ देते हैं। पानी का पंप और पीवीसी पाइप को दूसरी जगह पुनः उपयोग के लिए निकाल लिया जाता है। इस तरह के कई परित्याग बोरवेल हैं। इन बोरवेल को ढकने का कोई कानून नहीं है। साथ ही किसान सोचते हैं कि इनसे ज्यादा जोखिम नहीं होता क्योंकि केवल वयस्क ही वहां काम करते हैं। उन बच्चों का क्या जो खेलते खेलते बोरवेल में गिर जाते हैं? उन्हें इन बोरवेलों को ढकने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। 10 जून 2022 को छत्तीसगढ़ में राहुल साहू नाम के 11 साल के लड़के के साथ ऐसी ही घटना घटी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राहुल डेफ है, जबकि कुछ अन्य समाचारों के अनुसार राहुल सुनने वाला बच्चा है, कोई स्पष्टता नहीं है। 10 जून 2022 को दोपहर 2 बजे राहुल खेलते समय बोरवेल में गिर गया, जो उसके घर के पिछवाड़े में स्थित है। राहुल 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। सेना के 500 जवानों सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना आदि की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई है। बचाव कार्य आसान नहीं है। गुजरात से रोबोट विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रोबोट की टीम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने में नाकाम रही। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार रोबोट लड़के को बचाने में विफल रहा क्योंकि लड़का विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्देशों का जवाब नहीं दे रहा था। यही कारण है कि बचाव दल ने एक और योजना के बारे में सोचा और 50 फीट समांतर गड्ढा खोदा। जब वे मौके पर पहुंच जाएंगे तो वे लड़के तक पहुंचने और उसे बाहर निकालने के लिए एक और सुरंग खोदेंगे। प्रयास चल रहे हैं। हालांकि लड़का पिछले 3 दिनों से वहीं फंसा हुआ है। डॉक्टरों ने बच्चे को बिस्किट और केला दिया। एक कैमरा भी नीचे उतारा गया जिसे पता चला कि वह होश में है। लड़के को कुछ नहीं हुआ है और वह सुरक्षित है। करीब 60 से 65 फीट की खुदाई के बाद बच्चे को निकालने के लिए एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जाएगी। राहुल के परिवार के सदस्य और ग्रामीण उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों और एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी बोरवेलों को ढक दिया जाए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए।